यूपी के विकास में योगी का महा असर। उद्योगपति समेत कई दिग्गज नेता हुए योगी की रणनीति के कायल। सभी ने खूब की योगी की तारीफ। चारों ओर छाया यूपी योगी बहुत उपयोगी का नारा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब से योगी का नाम जुड़ा है तब से ही भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ योगी प्रशासन के योद्धा खूब गरज गरज के भ्रष्टाचार की जड़ों को उखाड़ फेंक रहे हैं। और इसी तरह योगी भी उत्तर प्रदेश को और अधिक मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते नजर आ रहे हैं, और इसीलिए वो उद्योगपति का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं ताकि यूपी को पहले की तुलना में और ज्यादा विकसित किया जा सके और उत्तर प्रदेश को विकसित करने के मार्ग में कोई दिक्कत ना आए। इसलिए यूपी में लगातार हाईवे और अच्छी सड़कों का निर्माण हो रहा है ताकि निवेशकों को उत्तर प्रदेश में उनके अनुरूप वातावरण मिल पाए और वो अधिक से अधिक मात्रा में निवेश कर पाए। और इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में लगातार नए नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं और सरकार नए उद्योगों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए उनको धन भी उपलब्ध करा रही है। योगी की इसी कार्यशैली के द्वारा यूपी और संपूर्ण भारत से बेरोजगार युवकों और युवतियों को रोजगार मिल रहा है और भारत समेत उत्तर प्रदेश विकास के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। आज हम आपको इसी योगी के द्वारा किए गए विकास के विषय में बताएंगे और उद्योगपतियों ने उनके संदर्भ में क्या कहा ये भी आपको बताएंगे। दरअसल जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन सत्र में 32 लाख करोड़ से अधिक निवेश प्रस्तावों का आंकड़ा रखा तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के चेहरों पर चमक आ गई। देश के प्रधानमंत्री से लेकर राजनाथ सिंह तक ने यूपी सरकार की तारीफ की तो वहीं वहां उपस्थित अंबानी और बिरला ने भी कहा कि यूपी आशा का केंद्र बन रहा है। योगी ने निवेशकों से कहा कि निवेश करने वाले औद्योगिक समूहों उद्यमियों के हितों को सुरक्षित रखते हुए सरकार की नीतियों के अनुरूप हर संभव सहायता दी जाएगी। निवेश की प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए उद्यमी मित्र भी तैनात किए जाएंगे। वहीं यहां उपस्थित रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्योग के विरोध में खड़े लोगों के खिलाफ तंज कसते हुए कहा कि कुछ ऐतिहासिक कारणों से देश प्रदेश का उद्योग व व्यापार गर्त में जाने लगा था। इस देश ने ऐसा भी समय देखा है कि तमाम संसाधन के बाद भी लोग बिजनेस से हिचकिचाने लगे थे। छद्म समाजवाद के नाम पर उद्योग को न केवल आगे बढ़ने से रोका गया बल्कि स्थापित उद्योगों को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। समाज में ऐसा हीन दृष्टिकोण बन गया था जो औद्योगिक गतिविधियों को ऐसे देखता था जैसे सभ्य समाज से अलग कोई गतिविधि हो। पिछले कुछ वर्षों में आए नए आर्थिक सुधार और प्रोत्साहन से इस अप्रोच में बदलाव आया है। पुराने नियम कानून जो रेड टेप बन गए थे आज वो रेड कार्पेट में बदल गए हैं। बिजनेस कम्युनिटी को अब न केवल सम्मान व भरोसे से देखा जाता है बल्कि वेल्थ क्रिएटर के रूप में समाज में महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूटर के तौर पर भी रेखांकित किया जाता है। वहीं राजनाथ के ऐसे बोलने के बाद बिरला समूह के मुखिया कुमार मंगलम ने भी योगी सरकार के पक्ष में उद्योग से संबंधित अपनी बात कही जिसमें उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति वैश्विक समृद्धि की नींव रखेगी। यूपी से हमारा नाता दशकों पुराना है। शानदार उपभोक्ता बाजार के बाद भी ये प्रदेश पिछड़ रहा था लेकिन पिछले कुछ सालों में नीतिगत सुधारों व शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए शानदार प्रगति हुई है। निवेश मित्र के जरिए मिलने वाली NOC का अच्छा कदम है। PM कहते हैं यूपी प्लस योगी बराबर उपयोगी पूरी तरह चरितार्थ हो रहा है। वहीं इसी क्रम में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुख्य मुकेश अंबानी ने लखनऊ को लक्ष्मण नगरी बताने के साथ अयोध्या को भगवान की भूमि बताया और कहा कि ये प्रदेश नए भारत की आशा का केंद्र है। पारदर्शी सरकार के चलते नोएडा से गोरखपुर तक दिखता जोश व उत्साह अच्छा लॉ एंड ऑर्डर और इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा रहा है कि यूपी उत्तम प्रदेश बन रहा है। 1 लाख किराना स्टोर्स के साथ ही कृषि व गैर कृषि उत्पादकों से जोड़कर उनके जीवन को भी बेहतर बनाया जाएगा। वहीं इस क्रम में जब स्टेज पर चंद्रशेखरन आए तो उन्होंने भी योगी की बात करते हुए किसानों के हित की बात कह दी जिसके बाद सभी लोग योगी के साथ चंद्रशेखरन की भी तारीफ करने लगे। दरअसल टाटा सन्स के N चंद्रशेखरन ने कहा कि यूपी में कृषि सेक्टर काफी मजबूत है, विनिर्माण क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं, अभी इसका योगदान 12% है। इलेक्ट्रिक सेमीकंडक्टर, डिफेंस, फार्मा सेक्टर आदि में उत्पादन बढ़ाकर प्रदेश अपनी भागीदारी बढ़ा सकता है। ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासतों से परिपूर्ण व प्रमुख धार्मिक स्थलों की मौजूदगी यूपी को पर्यटन का आकर्षक केंद्र भी बनाती है। यहां से पर्यटन, ट्रांसपोर्ट व हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में टाटा समूह भी अपनी भागीदारी निभाएगा। वहीं यहां उपस्थित निवेशक जिस प्रकार योगी की नीतियों की तारीफ करते पाए गए जिससे ये बात स्पष्ट होती नजर आई कि यूपी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ेगा और युवा और युवतियों को रोजगार देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज़।